I'm mm unicorn. -hmm. Mm -hmm. असलम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल गर्मी के शिद्दत के मौसम में किस तरीके से अपने किचन के कामों को मैनेज किया जाए आज की वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनको मैं फॉलो करती हूँ और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि सबसे पहले तो किचन में जितने भी हमारे काम होते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो क्लीनिंग का होता है रेफ्रिजरेटर की बात की जाए या फ्रिज की बात की जाए तो इसके भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है वरना बहुत ही एक गर्मियों में खास किस्म की बैड ऑर्डर आना शुरू हो जाती है लॉन्ग टर्म में अगर इसको क्लीन ना किया जाए या नॉर्मल डिश वॉशर मैंने लिए लिया है इसमें थोड़ा सा बस पानी लिया और एक साफ सा स्पॉन्ज ले लें अब इसकी जितनी भी एसेसरीज है उनको आप पहले से निकाल लें ऑफकोर्स इसके लिए आपको इसको दो तीन घंटे पहले ऑफ भी करना होगा ताकि अच्छे तरीके से हम इसको क्लीन कर सकें अब जितनी भी इसकी एसेसरीज थी जैसे इसके डिशेस होती हैं उनको निकाल लेना और जितनी भी चीज़ें हैं उनको निकाल लेना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर स्पॉन्ज ईजिली अवेलेबल नहीं हो इस्तेमाल नहीं हो सकता तो वहाँ हम कोई ऐसे छोटे ब्रशेज होते हैं उनको यूज़ करते हैं यहाँ पर मैंने रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो था ऑलमोस्ट दो पहले जितनी भी चीज़ें थी मैंने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दी थी और इसके अलावा जितनी भी क्लिन से आ, क्योंकि ये जो है जब तक क्लीन ना की जाए तो बहुत बुरी स्मेल हो जाती है फिर इसके आ, जो स्पेशली समर में बहुत ज्यादा हर चीज़ के अंदर से आने लग जाती है बॉक्सिस की बात की जाए ग्रिल्स की बात की जाए साइड की बात की जाए तो इसी लिक्विड से मैं इसको क्लीन करती हूँ दोनों साइड इसकी क्लीन हो चुकी हैं जो साइड है उनकी साफ़ करने की बारी आ रही है इसी स्पॉन्च की मदद से जो ग्रीन साइड है से जो है उससे साफ करूँगी और फिर सॉफ्ट साइड से करूँगी अच्छा फिर इसके बाद अगेन एक साफ सा लेना जिसमें तो थोड़ा सा विनेगर या लेमन जूस का आप लगा लें ताकि अच्छे से है ना एक खुशबू सी आ जाए बस इसके बाद आपका फ्रिज हो जाएगा बहुत ईजी वे में क्लीन जो कि मस्ट होता है क्लीन करना समर में और इसके साथ साथ देर के लिए आप एज़ इट स्मेल है वो मुकम्मल पर छोटा कोई ब्रश है तो उससे भी साफ़ किया जा सकता है वरना इसी स्पॉन्च की मदद से मैं इसको भी एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ वरना रबर जो है उसको थोड़ा सा एहतियात से करना होता है ताकि वह ख़राब ना हो अब इसकी जितनी भी असेसरीज़ हैं उनकी फ़िक्स करने की बारी आ रही है लेकिन एक छोटी सी प्लानिंग होती है जो कि समर में की जानी चाहिए हमें जितनी भी चीज़ें स्टोर करनी होती हैं उसमें थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए जैसे हमारे जितनी भी आइस क्यूब्स की डिशेज़ हो गई गोश्त हो गया मटन चिकन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी लेस क्वान्टिट्टी रखें क्योंकि एक तो लाइट का बहुत इशू होता है ऊपर से ये जो चीज़ें होती हैं समर में ख़राब होने का ज़्यादा डर हो जाता है तो लेस क्वांटिटी में चीज़ें अपने फ्रिज में लोड करें ताकि आप ईजिली अपने फ्रिज को ऑपरेट कर सकें और किसी किस्म की भी बैड ऑर्डर जो है वो फ्रिज में अरेज़ ना हो नेक्स्ट अगर टिप देखा जाए ना तो किचन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समर में खाने का होता है दोपहर तो का खाना और रात का खाना हो इसमें बहुत ही मुश्किल लगती है क्योंकि गर्मी में ऑलरेडी वैसे ही खाने को कम दिल करता है लेकिन अगर खाना कुछ इस तरीके से प्लान किया जाए जो एक ईजी वे में कुकिंग भी हो जाए तो उनमें सब्ज़ियाँ हैं दालें हैं जो कि बेस्ट वे हैं लेकिन कुछ दालें जो होती हैं थोड़ी सी गर्म होती हैं अब उनको मैं किस तरीके से बनाती हूँ जैसे आज मैंने मसर बनाए थे तो उसका वही एक मैथड जो हम सब फॉलो करते हैं लेकिन इसकी थोड़ी सी तासीर को ठंडा करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध जो है वह लास्ट में शामिल करें इससे मसर जो होते हैं ना एक वो टेस्ट में भी अच्छे हो जाते हैं और वो उसकी तासीर जो होती है वो गर्म नहीं रहती इसी तरीके से गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा रोटी से ज़्यादा चावल प्रेफरेंस होते हैं खासतौर पर जब आपके घर दाल बने तो फिर तो ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं चावल और चावल की भी एक वही रेसिपी है जिस तरीके से हम स्टेन करते हैं हैं और इसके साथ साथ इसको जब बॉईल करना हो तो थोड़ा सा इसको खिलाने के लिए विनेगर ऐड कर दे तो इससे चावल जो है वो एक आप खिल भी जाएंगे और एक अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएंगे नॉर्मली रायता जो है वो हर घर में समर में तो लाजमी बनता ही सैलड्स बनती हैं अच्छा मैंने आपके साथ पहले भी एक लोकी के रायते की रेसिपी शेयर की थी जो बहुत अच्छा है फॉर द वेट लॉस करने के लिए आज मैं आपके साथ जो रायता शेयर कर रही हूँ ये है सूखे पुदीने का बहुत ही ज़बरदस्त है ये रायता भी जायके में भी अच्छा होता है और इसके अलावा गर्मियों के लिए बेस्ट रहता है नॉर्मली जितनी आप दही लेना चाहते हैं ले लें स्लाइसिस में आप, आप प्याज ले लें और नमक और काली मिर्च ले लें अब सूखा पुदीना जो कि पहले से मैंने रखा हुआ था काफ़ी ज़्यादा और घर ही का ये पुदीना है इसको बस ड्राई किया है और इसका पाउडर बना के अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करूँगी हाथ से मसल भी लें ताकि और अच्छे तरीके से ना ये चला जाए इसमें शामिल हो जाए और घर के पुदीने के साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्चें भी टेस्ट इन्हेंस करने के लिए कर सकते हैं इनफैक्ट ये जो रायते होते हैं ये ख़ुद से में एक काफ़ी अच्छा मील हो जाते हैं कि हमें इसके बाद तो गर्मी में दोपहर के 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 लिए लिए किसी की की और चीज़ ज़रूरत नहीं रहती uh, समर के लिए ऐसी चीज़ें जो हैं हैं वो बेस्ट होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करें तो हमारी ना सिर्फ सेहत के हवाले से अच्छा होते हैं बल्कि एक ठंडक uh, का एहसास भी देती हैं नेक्स्ट ड्रिंक uh, की बात की जाए तो समर में तो डेली बेसिस पर यही दिल करता है कि आप किसी फ्रूट का जूस पी लें जैसे आज समर में बहुत अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं तो आज मैं तरबूज का जैसे आपके साथ कोई जूस है उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ और ये जूस जो है मैं रेगुलर बनाती भी हूँ बहुत इजी है बस आपने तरबूज इसको लेना है, क्यूब्स काटते हैं और उसके जितने भी बीज हैं, उनको आपने सेपरेट कर देना है इसके अलावा पुदीना पत्ते लेने आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं इवन आप इसमें थोड़ा सा फ्लेवर इन्हैंस करने के लिए आप इसमें रोहफा भी ऐड कर सकते हैं बस ये बहुत अच्छा ठंडक में एहसास देता है सिर्फ आपने इसमें क्या करना है पानी और क्यूब्स ऐड नहीं करना बस आपने जो स्लाइसिस काटे थे वाटर मेलन के बस उनको आप चिल्ड होने के लिए रखते हैं नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा गर्मी के लिए ज़बरदस्त किस्म का ये आपके साथ ड्रिंक शेयर कर रही हूँ जो कि इमली और आलू भारे से बनाया गया है अच्छा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग भी है बस इसके पल्प को निकालना है दोनों चीज़ों को और उनको पकाना है और उसमें शक्कर ऐड करनी है और काला नमक ऐड करना है और फिर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो इसको आप पानी में डालें और बहुत अच्छा है गर्मी की तासीर को कम करने के लिए तमाम ड्रिंक्स में सबसे जो अच्छा मुझे लगता है वो ये ड्रिंक है और इसको बस बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं तो इसको पिए और इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम मेरे पास पुदीने के पत्ते थोड़े से तो मैंने इस तरीके से इसको खुशबू के लिए ज़रा इसके ऊपर सजाने के लिए रख दिया तो ये ड्रिंक भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा समर में बहुत अच्छी तासीर देता है ये ड्रिंक नेक्स्ट अपने समर में जितने भी आपके कपड़े होते हैं उनको आयरनिंग करना भी एक बहुत उनको प्रेस करने के लिए फसान सा टिप आपके साथ शेयर करती हूँ बस आपने पानी की जो बॉटल होती है उसमें आपने ऐड करना है थोड़ा सा आप कंडीशनर और आपके कपड़े जो है विदिन अ फाइव सिक्स मिनट्स में इजीली प्रेस हो जाएंगे मैक्सिमम आप जितने करना चाहते हैं बस इसी टिप को फॉलो कीजिएगा तो छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके ना सिर्फ हम अपनी गर्मी में काम को आसान कर सकते हैं बल्कि वक्त की बचत के साथ साथ काम में आसानी भी आ जाती है होप सो आज का कॉन्टेंट आपको अच्छा लगा होगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर भी हो जाए और मिलती हूँ दोबारा कल किसी एक नए कंटेंट के साथ अपनी में याद रखियेगा अनटिल देन अल्लाह हाफिज